ओके, अब देखो यार, हाल में ही अभी वीवो ने अपना वी सीरीज लॉन्च कर दिया है और भाई वीवो V27 प्रो की अभी बहुत ज्यादा मार्केट में चर्चा है। बहुत सारे लोग भाई सोच रहे हैं ये फोन हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब देखो, इस फोन को मैं भाई 1-2 घंटे आराम से यूज किया, मैंने बहुत सारी फोटोज क्लिक की, मैंने वीडियोज बनाया और भाई बहुत कुछ इसका टेस्ट किया, इसमें वीडियोज देखा, इसमें गेमिंग की, यहाँ पे बैक पैनल जो इसका चेंज होता है वो भी मैंने टेस्ट किया। और सारा कुछ टेस्ट करने के बाद मैं आपको आज क्लियर बता सकता हूँ कि ये फोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब देखो, ये फोन भाई अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन आता है भाई 38-39 हज़ार के बीच में। अब देखो, इस प्राइस के हिसाब से भाई मार्केट में और भी ज्यादा फोन है, तो भाई क्या है? हमें ये वीवो का जो ये वीवो V27 प्रो है, हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आज मैं आपको फोटोज वीडियोस कैसी ये बनाता है, रिकॉर्ड करता है, सारा कुछ भाई आपको दिखा देंगे इस वीडियो में। चलो, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते भाई, वीडियो को स्टार्ट कर लेना चाहिए। देखो यार, इस फोन से ना मैं बहुत सारी फोटोज क्लिक किया, बहुत सारी वीडियोस बनाया और इस फोन को मैं भाई यूज किया, इसमें बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखा, HDR में नॉर्मल वीडियोस। अब देखो, इस फोन में ना मुझे भाई कुछ कमियां लगी, कुछ अच्छाइयां भी लगी हैं, वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए कि आपको ये फोन लेना है कि नहीं लेना है। अब इसको आप या रिव्यू कह सकते हैं या फिर आप मेरा ओपिनियन कह सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना इसके कुछ कमियां के बारे में बात करें जो मुझे इस फोन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब देखो, यहाँ पे आपको कहने को तो भाई यहाँ पे 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि यहाँ पे एक्चुअली में कर्व है। अब देखो, यहाँ पे ना भाई यहाँ पे HDR 10 प्लस का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ से आप भाई इस फोन में HDR कंटेंट वगैरह YouTube पे, Netflix वगैरह पे देख सकते हो। अब देखो, मैं वही चीज़ भाई टेस्ट करने लगा भाई यहाँ पे इसके डिस्प्ले के बाहर में। अब देखो, यहाँ पे जब मैं HDR कंटेंट भाई लगा रहा था तो यहाँ पे भाई इसकी जो ब्राइटनेस है वो बिल्कुल डिल हो जा रही थी भाई, वीडियो समझ में ही नहीं आ रही थी भाई ये HDR वीडियो भाई चल क्या रहा है अंदर। तो भाई ये भाई मुझे डिस्प्ले की क्वालिटी कुछ भाई ठीक नहीं लगी यहाँ पे HDR कंटेंट जब मैं देख रहा था। वहीं पे इस डिस्प्ले में जब नॉर्मल कंटेंट देख रहे, जैसे भाई गाना सॉन्ग वगैरह देख रहे थे, तो वहां पे भाई यहाँ पे ठीक ठाक भाई यहाँ पे ब्राइटनेस आ जाती थी बाहर, तो वहाँ पे ये चीज मुझे कुछ ठीक नहीं लगी इस फोन में। उसके बाद यार मैं ना यहाँ पे सेल्फी कैमरे से कुछ यहाँ पे अपनी सेल्फी क्लिक करने की कोशिश की। अब देखो, यहाँ पे भाई यहाँ पे कहने को तो भाई यहाँ पे आपको फ्रंट साइड में यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का आपको भाई सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब देखो, यहाँ से मैंने कुछ भाई सेल्फी क्लिक की, यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी। अब देखो, ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। अब देखो, ये कोई ब्रांड या फिर कुछ मुझे फोन नहीं दी है, तो मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे रख रहा हूँ। आप लोग देखो भाई, यहाँ पे इससे कुछ मैंने सेल्फी लिया। देखो, मैं यहाँ पर नहीं रुका। अब देखो, मैं सोचा भाई बाहर इतनी बेकार सेल्फी वगैरह जब आ रही भाई, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह उतना ज्यादा मैनेज नहीं हो पा रही थी। अब देखो, वीवो वाले भाई इसको फिक्स भी कर सकते हैं अपडेट के थ्रू। देखो, अभी जो था वो मैं आपको दिखाया। बाकी देखो, मैं वहीं पे इंडोर में कुछ भाई सेल्फी वगैरह क्लिक करता हूँ। ये आप लोग देखो, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह थोड़ा ठीक ठाक थी, तो यहाँ पे भाई वीवो वाला जो फोन था भाई, यहाँ पे सेल्फी कैमरा में काफी अच्छा भाई यहाँ पे परफॉर्म किया। अब देखो, उतना ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, यहाँ भाई ठीक ठाक भाई यहाँ पे ये सेल्फी निकालने की कोशिश किया है, तो यहाँ पे भाई काफी अच्छा, मतलब यहाँ पे आउटडोर में वो चीज़ नहीं थी लेकिन भाई इंडोर में आपको वो चीज़ मिल गई, तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी ठीक ही था भाई अगर इंडोर की बात करें तो। बाकी देखो, बाहर भाई जो मुझे लगा भाई, यहाँ पे भाई सेल्फी कैमरा इसका भाई बहुत बेकार लगा, लेकिन इंडोर में ये काफ़ी अच्छी भाई फोटोज वगैरह क्लिक कर रहा है। बाकी देखो, यहाँ पे मैंने भाई बैक साइड से भी कुछ फोटोज यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश की। यहाँ पे आप लोग देखो, ये सारी अभी जो आप लोग फोटो देख रहे हो ये वाली, ये मैंने भाई नॉर्मल मोड से भाई क्लिक किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे मुझे पता है भाई इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इसका बैक साइड कैमरा वो मुझे ठीक लगा, क्योंकि भाई यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो भाई क्वालिटी वगैरह यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जूम करने पर भी। लेकिन अगर बात करें इसके पोर्ट्रेट मोड का, ये फोटो आप लोग देखो भाई, यहाँ पे ये पोर्ट्रेट मोड से क्लिक हुई फोटो है, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, अभी लग रहा भाई काफी अच्छी फोटोज है, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा आप जूम करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देखो भाई, यहाँ पे जो भाई सनग्लास है भाई, यहाँ पे आधा गायब कर दिया, यहाँ पे इतने अच्छे से भाई ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट मोड का कुछ इसका कमाल है। वहीं पे देखो, ये तो 1x पोर्ट्रेट मोड में मैंने फोटोज क्लिक की थी, और ये वाली आप फोटोज देखो भाई, यहाँ पे 2x पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अब देखो, यहाँ पे फोटोज तो काफी अच्छी निकाल के दी, यहाँ पे क्वालिटी वगैरह मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो भाई, यहाँ पे फोटोज यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस बार सन ग्लासेस के पीछे के साइड यहाँ पे ये ब्लर करना भूल गया, या फिर इतने अच्छे से भाई ये एजेस वगैरह डिटेक्ट नहीं कर पाए कि भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं, तो वहाँ पे ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। बाकी देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भाई यहाँ पे सन ग्लासेस नहीं, नॉर्मल फोटोज भी पोर्ट्रेट मोड से क्लिक की, वहाँ पे काफी अच्छी ये फोटोज भाई क्लिक कर रहा था। लेकिन हाँ, अगर आप लोग भाई सन ग्लासेस वगैरह पहन के फोटोज वगैरह पोर्ट्रेट मोड से क्लिक करते हो, तो ये भाई पहचानने में भाई यहाँ पे अच्छे से ये
डिटेक्ट वगैरह नहीं कर पाता। यहाँ पे आपको एक भाई लाइट मिलती है जो वीवो वाले भाई ओरा लाइट करके बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे ओरा लाइट मतलब यहाँ पे रिंग लाइट कुछ लोग सोच रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे रिंग लाइट नहीं है, बेसिकली यहाँ पे दो फ्लैश ऐड कर दिया गया है भाई वीवो की तरफ से। तो ये कुछ भाई यहाँ पे मैंने कुछ फ्लैश ऑन करके भाई डे में फोटोज ली, तो मुझे कुछ ज़्यादा भाई इसका यूज़ लगा नहीं। बाकी अगर अंधेरे वगैरह आप लोग कहीं पर फोटोज वगैरह लेते हो तो ये ठीक ठाक फोटोज वगैरह क्लिक कर देता है। बाकी यार अगर बात करें ना इसके वीडियो के बारे में, देखो यहाँ पे भाई यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इसके वीडियो के बारे में, बिकॉज अब देखो यहाँ से आप सेल्फी कैमरे से भी यहाँ पे 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और बैक साइड से भाई तो कर ही सकते हो। अब देखो यहाँ से मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किया भाई सेल्फी कैमरा से। बाकी आप सेल्फी कैमरे से भी यहाँ पे 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड जो हो रही है वो 1080p में हो रही है, लेकिन अभी हम इसको 4K 60fps में करते फिर आपको दिखाते। और ये वाली जो वीडियो अभी आप लोग देख रहे हो ये 4K 60fps में है। यहाँ पे 4K में यहाँ पे आपको इतना स्टेबल वीडियो नहीं मिल रही है यहाँ पे, लेकिन ये 4K तक रिकॉर्ड कर सकता है भाई आगे के साइड में 60fps में, क्योंकि काफ़ी सही है। यहाँ पे 4K आप सेल्फी से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कुछ ये क्वालिटी रही भाई सेल्फी कैमरा से, आप लोग यहाँ पे देख लिए होंगे। अब देखो अगर बात करें इसके यहाँ पे अगर बैक साइड से मैंने यहाँ पे 4K तक वीडियो रिकॉर्ड किया, आप लोग वो देखो भाई 4K 60fps में रिकॉर्ड किया मैंने। यहाँ पे भाई क्वालिटी कुछ आपको ऐसी मिल रही है, और ये अभी आप लोग ये वाली जो वीडियो देख रहे हो ये 4K 60fps में रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे आप बैक साइड से 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे कुछ आप लोग ये देखो भाई, यहाँ पे कुछ इस टाइप की वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है 4K में। यहाँ पे आप लोग देखो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो यहाँ पे कितना जिटर वगैरह आ रहा है। यहाँ पे स्मूथ मुझे थोड़ी बहुत लग रही है वीडियो, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की क्वालिटी आ रही है यहाँ पे। अब देखो ये वीडियो आपको ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रही होगी, क्योंकि ये 4K 60fps में यहाँ पे जो फ़ोन है वो इतना अच्छे से भाई स्टेबल नहीं कर पा रहा है। अब देखो यहीं पे अगर बात करें यहाँ पे 1080p में जब आप 60fps में रिकॉर्ड करते हो तो ये काफ़ी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करता है, और यहाँ पे आपके सामने है आप देख सकते हो। यहाँ पे 1080p में ये वीडियो है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वीडियो 1080p में हो रही है रिकॉर्ड। कुछ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ह्यूमन नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ये वीडियो है। तो भाई इसका ना वीडियो वही समझ लो कि यहाँ पे आप अगर किसी फ़ोन में 40,000 दे रहे हो तो यहाँ पे आप आगे पीछे दोनों साइड से आप 4K 60fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये चीज़ पर्सनली मुझे अच्छी लगी। अब देखो यहाँ पे अगर 50 मेगापिक्सल है फिर भी अगर आप 4K रिकॉर्ड नहीं कर सकते फ्रंट साइड से तो भाई क्या मतलब है। लेकिन वीवो वाले ने ये चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई वीवो वालों की। बाकी देखो अगर बात करें यहाँ पे 5G कनेक्टिविटी के बारे में, देखो यहाँ पे भाई 5G जो कनेक्टिविटी मिलने वाली है यहाँ पे SA NSA दोनों मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप इंडिया में भाई काफ़ी मस्त भाई 5G चला पाओगे कहीं पर भी। लेकिन यहाँ पे मैंने भाई यहाँ पे टेस्ट वगैरह भाई किया था तो यहाँ पे जियो का जो है भाई यहाँ पे 5G पकड़ रहा था यहाँ पे आउट ऑफ बॉक्स, जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पे भाई इलाहाबाद में हमारे जियो 5G भाई आ गया है तो यहाँ पे पकड़ रहा था 5G, जो कि स्पीड वगैरह ठीक ठाक मिल रही थी। तो वो चीज़ है यहाँ पे आप 5G भाई चला पाओगे। और अगर इसके अपडेट वगैरह के बारे में बात कर, देखो कंपनी ने भाई कहीं प्रॉमिस वगैरह नहीं किया भाई हम कितना अपडेट वगैरह इसमें देने वाले हैं, लेकिन जहाँ तक है भाई यहाँ पे कम से कम 3 साल का यहाँ पे आपको अपडेट वगैरह मिलेगा भाई एंड्रॉयड अपडेट। बाकी सिक्योरिटी अपडेट वही 3-4 साल तक मिल सकता है। बाकी भाई ये अपने तरफ से मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ, बाकी कंपनी ने कहीं भाई ये मुझे मिला नहीं तो मैं आपको बता नहीं पाया। बाकी यार देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ भाई इस फ़ोन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाई वीवो वाले ने नहीं ऐड किया है। बस यहाँ पे अगर यूनिक कुछ आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे आपको इसका बैक पैनल भाई थोड़ा यूनिक देखने को मिलेगा कि आप इसका कलर चेंज वगैरह होता है तो यहाँ पे वो है। बाकी ओरा लाइट एक भाई यहाँ पे भाई वीवो वाले कह रहे भाई हमने कुछ यूनिक ट्राई किया तो यूनिक कुछ नहीं, यहाँ पे 2 फ्लैश दे दिया गया, इसको यूनिक नहीं कहते, इसको कहते भाई आप वही काम किए लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा तरीके से कर। बाकी यार आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप इस फोन भाई 40,000 तक भाई दे सकते हो, क्योंकि ये फोन जिस प्राइस में आता है भाई मुझे पर्सनली अगर भाई मुझे लेना हुआ अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो भाई मैं कुछ भाई मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, मैं दूसरे ऑप्शन में जाना पसंद करूंगा। तो यार इस फोन में अभी भी आपको भाई वही भाई हॉट ऐप्स हॉट गेम्स जैसी भाई ऐप वगैरह अभी मिल रही हैं, और ये चीज़ भाई यहाँ पे केवल ये एक ऑप्शन है मुझे भाई इसका। फोटोज़ के मामले अगर बात करूँ तो भाई इसका कैमरा वगैरह उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तो भाई यहाँ पे इतना पैसा भाई नहीं देने वाला हूँ। बाकी आपकी क्या राय भाई आप मुझे कमेंट में जरूर से बता सकते हो। अब देखो मेरे इस ओपिनियन से भाई वीवो फैंस नाराज भी हो सकते हैं, देखो भाई जो रियलिटी थी वो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप भाई मुझसे सहमत नहीं है तो आप खुद जाके भाई अपने आसपास दुकान में भाई टेस्ट वगैरह कर सकते हैं इसका फोटोज वगैरह। अब देखो यहाँ पे मैंने भाई जो मुझे लगा भाई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।